इसराइल के यरूशलम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इसराइल के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस बवाल में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब हिंसा की आशंका को देखते हुए इसराइल के सैनिक मस्जिद के अंदर पहुंचे, जिन पर वहां पहले से मौजूद फिलिस्तीनियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव बढ़ता देख इसराइल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और घेराबंदी करने के बाद हंगामा कर रहे लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद जवान मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और देखते ही देखते मस्जिद के अंदर धमाकों की आवाज़ सुनाई देने लगी और आंसू गैस के गोले फटने की वजह से वहां हर ओर धुआं भर गया। फायरिंग शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। बवाल बढ़ता देख मस्जिद प्रशासन ने मेन गेट खोल दिया, जिसके बाद लोगों की भीड़ नारेबाजी करते हुए बाहर निकलती दिखाई दी। इससे पहले जब इसराइल के जवान मस्जिद के गेट के पास पहुंचे, वहां एक धमाका होता दिखाई दिया और जब बवाल बढ़ने लगा तो मस्जिद का पूरा परिसर फायरिंग और धमाकों की आवाज से गूंज उठा। वहीं इस हिंसक झड़प के बीच वहां पहुंचे कुछ पत्रकार भी इसराइल के जवानों की कार्रवाई का शिकार हो गए, जिनके साथ बदसलूकी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इस बवाल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा एक पत्रकार इजरायली जवानों के गुस्से का शिकार होता दिखा, जिसने घुटनों के बल बैठकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बैठते ही जवानों ने उस पर लातों की बरसात शुरू कर दी। यही नहीं, इतने पर भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो इजरायल का एक जवान उसके कैमरे को भी ठोकर मारता दिखाई दिया। पिटाई से जब वो बेसुध हो गया तो जवान उसे छोड़कर आगे बढ़ गए, जिनके जाने के बाद कुछ लोग उसका हाल जानने के लिए उसके पास आते दिखाई दिए। इस बीच मक्का और मदीना के बाद इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाने वाले अल अक्सा मस्जिद काफी देर तक जंग के मैदान में तब्दील दिखाई दी और वहां पहुंचे लोगों ने इसराइल के जवानों की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया और एक बार फिर मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की। यही नहीं, जब वहां मौजूद इसराइल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में इसराइल के जवान वहां पहुंच गए, जिन्होंने पहले तो धकेलकर लोगों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने भी उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी तो उन्होंने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। फिर तो उन्होंने बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। उधर दूसरी ओर मस्जिद के अंदर पहुंचे जवानों ने वहां मौजूद लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि झड़प में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया।